नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में। कल वाली जो वीडियो थी, मतलब पिछला पार्ट जो है इसका पार्ट फर्स्ट, वो हैंड टूल्स के 10 क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उनके आगे के 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11, लोहा काटने वाली आरी जिसकी लंबाई ब्लेड अनुसार कम ज़्यादा की जा सके, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको कहा जाता है एडजस्टेबल हेक्सा या समायोजित हेक्सा। अभी अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वो है कि मिमलेट क्या कार्य करता है। दोस्तों, मिमलेट जो एक टूल्स रहता है अपने लिए, वो क्या क्या कार्य करता है? तो जो किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में भिन्न भिन्न टाइप के छिद्र निकालने के लिए जो मिमलेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 13, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि SWG का विस्तार क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है और आया हुआ है ऑलरेडी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, SWG का विस्तार क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। ओके दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर गेज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मानक तार गेज की परास क्या होती है? दोस्तों, मानक तार गेज मतलब जो अभी अपन ने ऊपर देखा था स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज को ही मानक तार गेज कहते हैं। इसकी परास, परास का मतलब होता है दोस्तों रेंज, मतलब वो किस रेंज से आता है, किस रेंज तक के लिए आता है। तो वो दोस्तों 0 से 36 SWG, मतलब 0 से 36 स्टैंडर्ड वायर गेज की रेंज में आता है। और जो इसकी दोस्तों रेंज, उसको नापा जाता है, वो गेज में मापा जाता है। जो वायर का जो साइज रहता है, वो गेज में मापा जाता है। ओके दोस्तों, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, पतली सुपर इनेमल तारों, मतलब जो बहुत ही पतली तार रहती हैं, जैसे 32 SWG, तो ये दोस्तों बहुत ही पतली जो वायर होगी, उसको 32 SWG जो तार होगी, से पतली तारों का व्यास, मतलब इससे भी पतली तार जो रहती हैं उसका डाया किसके द्वारा मापा जाना उचित रहता है? तो उसको किसके द्वारा मापा जाना चाहिए? तो दोस्तों, माइक्रोमीटर एक उपकरण आता है जिससे हम पतली से पतली भी वायर का जो है डाया ज्ञात कर सकते हैं, उसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ओके, जो प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, वो है सेंटर पंच किस धातु का बनाया जाता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि सेंटर पंच जो कौन सी, कोई सी भी धातु, मतलब कोई सा भी टूल्स है जो किस धातु का बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन मिनिमम देखे जाते हैं। तो दोस्तों, सेंटर पंच किस धातु का बनाया जाता है? तो दोस्तों, सेंटर पंच हाई कार्बन इस्पात से बनाया जाता है। ओके, जो हाई कार्बन इस्पात होता है उससे सेंटर पंच को बनाया जाता है। अभी प्रश्न नंबर 17, जो मिलीमीटर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? ओके दोस्तों, मिलीमीटर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? अल्पतमांक दोस्तों, अल्पतमांक को बोला जाता है लघुत्तम माप, ठीक है, लघुत्तम माप मतलब छोटे से छोटा माप। तो वो दोस्तों कितना रहता है? 0.01 mm, मिलीमीटर, mm बोले तो मिलीमीटर, 0.01 mm। ओके दोस्तों, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर किस धातु का बनाया जाता है? जो ट्राई स्क्वायर रहता है दोस्तों, वो किस धातु का बनाया जाता है? दोस्तों, जो ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड रहता है, वो हाई कार्बन इस्पात के, और इसके स्मक ढलवा लोहे का और स्टील व एल्यूमिनियम आदि से बनाया जाता है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आमतौर पर पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से हमारा आंसर जो है गलत हो जाता है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है, मानक स्क्राइबर किस साइज में बनाए जाते हैं?
जो स्क्राइबर रहते हैं उनका मानक साइज क्या रहता है, किस साइज में बनाए जाते हैं, वो है दोस्तों 125 mm और 250 mm। इन दोनों साइजों में मानक स्क्राइबर को बनाया जाता है। अभी प्रश्न नंबर 20 जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हैंड टूल्स का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, डिवाइडर किस माप के लिए बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिवाइडर किस माप के लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है 100 mm, 150 mm और 250 mm, मतलब 100 mm, 150 mm और 250 mm तक के लिए डिवाइडर बनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।